पुणे में गैंगस्टर शरद मोहोल की उसके ही गिरोह के सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 8 गिरफ्तार। पुलिस ने कहा कि गैंगस्टर शरद मोहोल की शुक्रवार को पुणे में उसके ही गिरोह के सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी। एक अधिकारी ने कहा कि पुणे सतारा रोड पर एक वाहन से 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 3 पिस्तौल, 3 मैगजीन और 5 राउंड जब्त किए गए हैं। दोपहर करीब 1:30 बजे कोथरूड के सुतारदारा इलाके में 3 से 4 हमलावरों ने 40 वर्षीय मोहोल पर नजदीक से गोलियां चला दी। पुलिस अधिकारी ने कहा एक गोली उनकी छाती को भेद गई और 2 गोलियां दाहिने कंधे में लगी। अधिकारी ने बताया कि कोथरूड के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मोहोल पर हत्या और डकैती समेत कई मामले दर्ज थे। वो यहाँ यरवदा जेल के अंदर इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध सदस्य मोहम्मद कतील सिद्दीकी की हत्या से संबंधित मामले में आरोपी थे, लेकिन उन्हें बरी कर दिया गया था। अधिकारी ने कहा कि उसके गिरोह के भीतर जमीन और पैसे को लेकर विवाद के कारण उसकी हत्या होने का संदेह है। पत्रकारों से बात करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये कोई गैंग वॉर नहीं था, क्योंकि मोहोल को उसके ही सहयोगियों ने मार डाला था। उन्होंने कहा चूंकि हमारी सरकार जानती है कि ऐसे कुख्यात तत्वों से कैसे निपटना है, इसलिए कोई भी गैंग वार में शामिल होने की हिम्मत नहीं करता। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच के तहत 9 टीमें गठित की गई हैं।